70% नेता भाजपा के पास कांग्रेस के है। चीटिंग करके आते हैं। वजह क्या बदलाव की? महंगाई वजह है, बेरोजगारी वजह है, बहुत सारी वजह है। सबसे पहली बात ये कि जो अभी करंट सरकार है उसके अंदर सबसे ज्यादा अनक्वालिफाइड लोग हैं और सब यानी ज्यादातर यानी इलीगल वाले लोग बहुत ज्यादा है, गुंडा किस्म के लोग। गुंडा किस्म के जब देखो तब न्यूज है, यहाँ पे रेप है, वहाँ पे रेप है, एजुकेशन के अंदर कुछ नहीं है। अभी देखिए आप फारूक आजम नहीं बना दी पुरानी का क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई भी सरकार आए लेकिन हमें लोगों के अंदर तरक्की होनी चाहिए। जो शिक्षित है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो कबाड़ी वाले वो अच्छे से अच्छा कमाते हैं। जब सरकार अच्छी रचा है उन्हें सामने ऐसी नौकरी जॉब चाहिए। बड़े बड़े शिक्षित लोग भी बाहर इंजीनियर है तो उनको नौकरी नहीं है। पुल बनाने से ब्रिज बनाने से कोई ज़रूरत नहीं है, पहले यहाँ पे रोजगारी ला। जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं, ये नहीं है। दूसरा बदलाव चाहते हैं आपकी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या नाम है आपका? वसीम भाई, वोट देकर आया कहाँ है? अच्छा, सुबह में कुछ खबरें आई थी सोशल मीडिया पर, वो सारी के लोगों को डराया जा रहा है वोट देने नहीं जाना, तोड़फोड़ रिक्शाओं में की जा रही, इस तरह का सारा आपको नहीं पता था अंदाज के बारे में? अच्छा, अहमदाबाद से बाहर है, अभी से लेट आए। क्या लगता है वोट दिया, क्या लगता है आपको, क्या करते हैं आप? अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? चीटिंग करके होता है, मानते हैं इसका, लेकिन उसके बाद भी वोट देने आप आते हैं, ये अच्छी बात है, अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए भी। तो कौन करता है चीटिंग? मौजूदा सरकार चीटिंग करती है, आपको यकीन है इस बात? पहले चिट्ठी स्लिप से होता था, जो बैलेट पेपर से देखिए लोगों को सबक लेना चाहिए कि यकीन है कि चीटिंग होती है, लेकिन अपना अधिकार उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वोट देने आपको जरूर जाना चाहिए, चीटिंग जो करते हैं वो जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? अब्बास भाई, कहाँ रहते हो? अच्छा, वोट देने आए थे आप, दे दिया वोट? अच्छा, क्या लगता है आपको क्या होगा इस बार? पता नहीं, अपना आप देश के नागरिक के सोचते हैं सरकार कौन सी आनी चाहिए, क्या है, तो क्या आपको लगता है? सोचते हैं नागरिक का इस्तेमाल किया जो अधिकार था उसका। नहीं तो आपके वोट से क्या लगता है, कुछ बदलाव आएगा या क्या लगता है? नहीं, बदलाव नहीं आएगा। क्यों, वजह क्या? ताकत है उनकी, उनके पास पैसा है। अच्छा, कैंडिडेट अच्छे नहीं आपके यहाँ से? जो कैंडिडेट अच्छे नहीं आपके मानते? नहीं, मैं नहीं पहचान करता। देखिए ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि अमित शाह जैसा चेहरा और उसके सामने जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा है, जनता के लिए उनको जानते ही नहीं है, तो ये भी गंभीर विषय है। लेकिन आप जो कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, तो राहुल गांधी जो खुलकर बोलते हैं वो तो कमजोर नहीं है, अखिलेश यादव खुलकर बोलते हैं हर चीज को, मोदी मीडिया आगे नहीं बढ़ाता। नरेंद्र मोदी की एक रैली एक घंटे की पूरी टेलीविजन पर लाइव दिखाई जाती है, मोदी वोट देने जाते हैं पूरा एक घंटे का दिखाया जाता है, विपक्षी नेताओं का कुछ नहीं दिखाया जाता। ये मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, मैं तो नहीं कहूँगा, मुझे गोदी सबसे अच्छा नहीं लगता है। ये बात है कि मीडिया ने अपनी साख नीची कर ली है, साख गिर चुकी है मीडिया में, गिर चुकी है। एक टाइम था मैं देखता था कि मीडिया से सरकार कांपती थी, आज सरकार से मीडिया कांपती है, इसलिए तो गोदी मीडिया कहा जाता है, जो गोद में बैठ गए ना। कहने में रिपोर्टर के पास वो ताकत नहीं है कलम की जो पहले थी। नहीं, ताकत तो रही है लेकिन लोगों ने पत्रकार इस्तेमाल करना छोड़ दिया। क्या नाम है आपका? अकील मोहम्मद। वोट देकर आया? अच्छा, क्या लगता है क्या होगा इस बार? नहीं तो लगता क्या है, लेकिन कुछ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? क्यों, क्या वजह? सब उनका चलता है। अरे वजह क्या, वही सरकार रहने वाली है? वजह तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो महंगाई वहंगाई यानी कोई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी तो फुल है, सब कुछ है। वजह में तो यही है कि जितने भ्रष्टाचारी थे कांग्रेस के पास, आज कांग्रेस साफ सुथरी हो गई, सारे भाजपा में चले गए। अब भाजपा अपने आप को साफ सुथरी बता रही है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि वही नेता ही है। भाजपा का 70% नेता, 70% नेता भाजपा के पास कांग्रेस के है, भाजपा के पास उसके असली नेता तो बड़े सिर से वही असली है। सिंधिया वगैरह जितने नेता सब गए, वो सब कांग्रेस के ही नेता है, कांग्रेस तोड़ तोड़ के भाजपा में मिला लिया, और वो सब साफ सुथरे परिवारवादी है, लिखा तो कांग्रेस परिवारवादी है और भाजपा साफ सुथरी है, गुजराती चैनल। क्या नाम है आपका? प्राइम भाई, क्या करते हो?
अच्छा, क्या लगता है इस बार बदला होगा? और कहीं जाना है? उधर ही जाना है। मशीन में कुछ चेंज हो तो कुछ बोल नहीं सकते, बाकी तो हर बार कोई सोचते नहीं होता कुछ है नहीं। बदलाव चाहते हो लेकिन बदलाव होता नहीं, ऐसा लगता है। हर बार ऐसा ही होता है। क्या वजह है, क्यों नहीं होता है बदलाव? सब उनका ही है, सब खरीद लिया उन्होंने। उनका है किसका? सरकार का जो है। अच्छा, मोदी सरकार। हाँ, वो सब चीटिंग करके ही आते हैं। तो बैलेट पेपर होते तो करके दिखा दो, वो दिखा दो। अच्छा, सुबह में कुछ खबरें आई थी कि यहाँ पर लोगों को धमकाया जा रहा है वोट देने से, मतलब वोटर है प्रॉब्लम। हाँ, क्या हुआ? क्या है हमारे पास, कौन सी बात करते हैं, क्या परेशानियाँ होती जी? जी मैं मॉर्निंग में गया था, यहाँ से उन्होंने लिख कर दिया है, यहाँ से लिख के दिया है। और आप पहले वहाँ जाकर है? वहाँ से। अच्छा, कितने साल से आप? पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट डाला था? हाँ, मैंने डाला था। तब कहाँ डाला था? मैं तो वही अपनी चुनी। नहीं नहीं, वो नहीं, उधर ही डाला था मैंने, फारूक आजम में डाला था। लेकिन अभी आपको वहाँ से यहाँ भेज दिया? यहाँ से यहाँ भेज गया, बोले यहाँ नहीं स्कूल बनी है, गैसपुर आपका लगता है। किसने भेजा आपको अंदर से? पोलिंग के अंदर जो लोग भेजा वहाँ से आपको? कितना दूर है यहाँ से? तकरीबन गर्मी में धक्के खाइए आप, नीचे वोट क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या लगता है, बदलाव कुछ होगा इस बार? अगर नई सरकार आई है, दोबारा एक बार अपने नई अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसे कि अभी आप सरकार आई है, कांग्रेस को वापस अगर अपॉर्चुनिटी। आप चाहते हैं बदलाव होना चाहिए? आप चाहते हैं वजह क्या बदलाव की? महंगाई वजह है, बेरोजगारी वजह है? बहुत सारी वजह है। सबसे पहली बात ये कि जो अभी करंट सरकार है उसके अंदर सबसे ज़्यादा अनक्वालिफाइड लोग हैं, और सब यानी ज़्यादातर यानी इलीगल वाले लोग बहुत ज़्यादा है, गुंडा किस्म के लोग। गुंडा किस्म के, जब देखो तब न्यूज़ है, यहाँ पे रेप है, वहाँ पे रेप है, एजुकेशन के अंदर कुछ नहीं है। अभी देखिए आप फारूक आजम नहीं बना दी पुरानी का, क्या कोई सॉल्यूशन नहीं। लेकिन आप पहले जाइए, आप वोट दीजिए, पहले भी आपको जाना भी पड़ेगा, वरना बोलेगा मैंने आपका वोट उतर दिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ भाई। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, वोट दे दिया? दे दिया। देकर आए वोट आपको? बड़ी लेट जाने, आराम से काम वाम करके ऐसा है? नरम जी हो गया। अच्छा, क्या लगता है इस बार वोट का कुछ बदलाव लगता है या मोदी सरकार आएगी, क्या लगता है? अच्छा, दिल्ली ने देश की सरकार मोदी सरकार ही वापस आएगी ऐसा लगता है? क्या बचा? काम अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये सुबह में कुछ बात है, जैसे ये कांच टूटे हुए पड़े, यहाँ पर एक रिक्शा वाले को तोड़ फोड़ की गई, कुछ इलाके की वीडियो आए कि वहाँ पर लोगों को पैसा देने के बोगस वोटिंग की गई, कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं, आपको नहीं पता है? क्या नाम है आपका? अल्लाह रखिए आपका। अच्छा, वोट दे दिया आपने? अच्छा, क्या लगता है? अच्छा, पुलिस वालों से पूछा क्यों आए? आपने बोला नहीं कि क्यों आते हैं यहाँ पर? मैंने बोला ना वोट देने के लिए। आपको बोलना चाहिए मोदी जी वली मां खाने आए हैं। चल के आए, चल कर आए, पैदल चल कर आई। तो पहले आपको ये कहा गया आपका वहाँ पर है वोटिंग, फिर आपको कहा गया यहाँ पर। तो घर पर पर्ची नहीं आई थी क्या? अच्छा, इस बार क्या लगता है कुछ वोटिंग में कुछ बदलाव होगा? बदलाव है नहीं, बदलाव होगा सरकार में कुछ बदलाव होगा? चीटिंग से चलती आप मानते? सब मानते हैं, आप नहीं मानते, आप गुजरात मानते हैं। कौन करता है चीटिंग, क्या लगता है? क्या मालूम, अब मैं तो गौर हूँ, क्या बदलाव नहीं आपको लगता? नहीं बदलाव होगा चीटिंग से, मुझे ऐसा लगता है। ऊपर वाला बदला नहीं चीटिंग वाले। एक मिनट आइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, वोट देकर आए। अच्छा, क्या लगता है वोट इस बार, क्या बदलाव कुछ होगा लगता है बीजेपी की, मोदी की? अच्छा, क्या वजह? काम अच्छे किए हैं, महंगाई वहंगाई ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर, बेरोजगारी के मुद्दे में? अच्छा,
आप बोलेंगे क्या नाम है आपका? अच्छा वोट दिया आपने, अच्छा क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद है या सरकार वापस आएगी या क्या लगता है? अल्लाह से उम्मीद है कि शायद कुछ बदलाव होगा, कोई भी सरकार आए लेकिन हमें लोगों के अंदर तरक्की होनी चाहिए। जो शिक्षित है उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो कबाड़ी वाले वो अच्छे से अच्छा कमाते हैं, जब सरकार अच्छी रचा है उन्हें सामने ऐसी नौकरी जॉब चाहिए। बड़े बड़े शिक्षित लोग भी बाहर इंजीनियर है तो उनको नौकरी नहीं है। पुल बनाने से ब्रिज बनाने से कोई ज़रूरत नहीं है, पहले घर यहाँ पे रोजगारी ला। गरीब तक बिल्कुल पहुँचना है, जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं, ये नहीं है। दूसरा बदलाव चाहते हैं आपकी, इस बार आपका वोट क्या बदलाव के लिए, विकास के लिए या बेरोजगारों के लिए? सब चीज़ आगे। दूसरा सुबह में कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी कुछ खबरें आई कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो और उत्साहित किया जाए कि आप वोट देने जाइए ताकि आपकी अपनी सरकार न चले। अब अपना मत तो जाहिर कर सकते हो, ओके अब इस साल तो बदलाव की आशा है, उम्मीद है सर। ये मेरे ताकि बहू है मेरी। तो ये देखा दोस्तों आपने, अब यहाँ पर कुछ वोट भी आए, अब सब होगा यहाँ पर, लेकिन सवाल कभी उठ रहे हैं किस तरीके की कार्रवाइयाँ लोगों का मिला जुला के साथ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि वो बदलाव चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों को आज़ाद शफाफ स्वतंत्र चुनाव की उम्मीद जो है वो लोगों को नहीं है, ये आपने हमारे स्टूडियो में देखी। जय भारत, जय। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।